नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस टुडे की विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलाएंगे बॉलीवुड तक पहुंचने वाली हिमाचल की बेटी से, जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा आजमाते हुए आज बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है। सबसे पहले हम अंजू ठाकुर जी का स्वागत करते हैं इस टुडे में। स्वागत है अंजू जी आपका। आप हमें बताएंगे कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत कहाँ से की? मैंने शुरुआत थिएटर से की थी। एक्चुअली दिल्ली में पहले मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, तो मेरा मन तो बिल्कुल वही थिएटर और सब में था। तो मैं आते जाते मंडी हाउस में ना सब होर्डिंग देखती रहती थी जो भी थिएटर के लगे होते थे, तो मेरा मन बस वही रहता था कि कब वहां से स्टार्ट करूंगी। तो जैसे ही मुझे घर से थोड़ा सा अलाउड हुआ तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर ली और बस वहीं से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर दूरदर्शन के कुछ प्रोग्राम किए, धीरे धीरे फिर सीरियल मूवी एड सब चलती गई। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से आपका यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं आप। एक मान्यता मानी जाती है कि लड़कियां जो है वो ज्यादा बॉलीवुड पसंद नहीं करते थे, अगर बात करें हिमाचल की तो किस तरह से आपको परिवार का कितना सपोर्ट मिला और क्या क्या जो है वो परेशानियां भी तो बीच में आई होंगी आपकी, वो हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल, यही वजह थी कि मैं सब लेट शुरू कर पाई। अगर पहले मुझे अलाउड होता तो हो सकता है कि मैं छोटी एज में ही चली जाती जैसे, लेकिन फिर वेट किया कि शादी के बाद शायद आगे से मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस आएगा तो शुरू करूंगी। शादी के बाद फिर खुद को ही लगता है कि जिम्मेदारियां हैं, फिर बच्चे हो गए ये सब, लेकिन हाँ मुझे फैमिली का सपोर्ट तो मिला है, मेरे हस्बैंड का। जैसे ही बच्चों ने होश संभाला तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मम्मा आप करो, हम आपका साथ देंगे। तो परेशानी तो बहुत आई, जैसे अब मान लो मेरा शो है, मुझे रिहर्सल पे भी जाना है, फिर शो भी है, फिर बच्चों का खाना पीना, कई बार बच्चों के एग्जाम होते थे उसी टाइम पे, तो पर कर लेती थी मैंने, मतलब जो मन से करना चाहता है इंसान तो वो कर ही लेता है कुछ ना कुछ करके। इस फील्ड में आपके हस्बैंड का आपको कितना सपोर्ट मिला? बहुत, 100%। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं बॉम्बे तक नहीं पहुंच पाती। बचपन से ही आपने ये एम रखा था कि नहीं मैंने छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पे काम करना है? बचपन से शौक था, पर उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि कहाँ से कैसे शुरू करना है। बस वो पंजाब केसरी पढ़ते थे तो वो फ्रंट पेज पे हीरोइंस के फोटो होते थे, तो कई बार देखती थी कि शायद कभी मैं भी यहाँ आऊंगी, लेकिन फिर ये है कि वो वाली एज निकल गई, मैंने 34-35 में शुरू किया जैसे भी है। पर हाँ, मन में बचपन से था कुछ ऐसा चकाचौंध वाली लाइफ थी, मतलब सोची थी। छोटे पर्दे की बात करें अगर तो छोटे पर्दे पे अब तक कौन कौन से सीरियल आप कर चुके हैं, क्या मूवी रोल थे आपके? हाँ, छोटे पर्दे भी मैंने नॉर्थ ईस्ट के सीरियल होते हैं उनमें किया, मैंने उर्दू चैनल के लिए किया, DD1 के लिए किया, मैंने एड भी की, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं दूरदर्शन की वो की, और हिस्ट्री चैनल के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज की, उसके बाद जो मेन चैनल है कलर्स है, बिग मैजिक है, इन सब के लिए मैंने सीरियल किए, और ये सावधान इंडिया ये सब करती रहती हूँ, और अभी जस्ट GTV भी मैंने किया, महक जिंदगी की, और एक आता था डिटेक्टिव दीदी, उसके बाद मैंने स्टार प्लस का किया ये हम वक्त अभी जस्ट, और जस्ट मूवी फिनिश किया कंगना मैम के साथ, मेंटल है क्या। ये आपकी बॉलीवुड की पहली मूवी? नहीं, बॉलीवुड की पहली तो नहीं है, पहले की है मैंने, पर वो ये है कि उसमें थोड़ा मतलब करेक्टर वैसे थे छोटा या कुछ ऐसे, हिंदी मीडियम में भी था मेरा छोटा सा, तो इसमें थोड़ा अच्छा है, मतलब कंगना मैम के जो ताऊ जी है उनकी नर्स का कैरेक्टर है और कंगना मैम के साथ ही मेरे 5-6 सीन है, तो होप है कि अच्छा आएगा। देखिए जब रिलीज होगी तब पता चलेगा कितना आता है क्या होता है। अगर बात करें लाइफस्टाइल की तो बॉलीवुड का और छोटे पर्दे का लाइफस्टाइल बहुत चेंज है हिमाचल से, तो उसमें ढलने के लिए आपको कितना समय लगा? आप देखेंगे तो मैं ढली नहीं हूँ ज्यादा, मतलब ठीक है काम करती हूँ, जो मुझे कोई भी रोल मिले बेशक कितना भी मॉडर्न हो मैं उस टाइम पे वैसी बन जाती हूँ, पर हाँ मैं चेंज ही होती हूँ, मतलब मेरा आपको गेटअप यही मिलेगा, अगर मैं ऑडिशन पे भी जाऊंगी तो यही होता है, उसके बाद वो बोलते हैं बिंदी हटा दो ये हटा दो, तो हटाती जाती हूँ, लेकिन हाँ मैंने चेंज नहीं किया खुद को, मतलब जैसी हूँ वैसे करती हूँ। हिमाचल का लाइफस्टाइल अच्छा है या फिर मुंबई का कहें तो, या फिर वहाँ का जैसे इंडस्ट्री के माहौल है वो अच्छा है? नहीं, हमारा हिमाचल सबसे अच्छा है, सब अच्छे है, वहाँ भी सब अच्छा है, उस हिसाब से जो वहाँ का कल्चर है और वहाँ की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से तो वैसे ही जो रह रहे हैं बच्चे उनको वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन हमारे हिमाचल में जैसे हम हैं हम बहुत अच्छे हैं, और हमारा हिमाचल सबसे अच्छा है मैं ये कहूंगी, हर चीज में सबसे बड़े तो इंसानियत में,
मुंबई में अगर मैं कहती हूँ मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे शायद ऑफिस के अंदर भी ना आने पाऊँ मैं, लेकिन जब मैं बोलती हूँ मैं हिमाचल से हूँ, अरे अरे हिमाचल से हैं बैठे बैठे आइए चाय पानी पीजिए, तो ये हिमाचल की देन है सब। अगर यहाँ की हिमाचल की लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी और क्या आपको लगता है कि हिमाचल सरकार को यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड जैसी एंट्री करने के लिए जो है वो केंद्र खोलना चाहिए या उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, कितना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे जो लोग ये सब, जैसे मान लो मैं ही थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मैं कुछ करना चाहती हूँ कि जो बच्चे चाहते हैं ना कि हमें इस लाइन में एंट्री चाहिए तो हेल्प करें उनको, बच्चों को करके, जैसे मान लो हम ही सिखाना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड करें कि हाँ कुछ फैसिलिटीज दें कि हम उन्हें सिखा पाएं, और वो आर्टिस्ट उनको हम अच्छी अपने साथ, मतलब इस लाइन में जाना बहुत कठिन है ऐसे, मतलब बहुत रास्ता आसान नहीं है, तो हम लोग उनको आसानी से एंट्री दें। और लड़कियों को मैं ये बोलूंगी अगर उनके मन में कुछ भी ऐसा है तो बिंदास करो, ऐसा नहीं है कि दबा के मत रखो कुछ भी, क्योंकि जब एक एज निकल जाती है ना तो हम पछताते हैं कि शायद हम उस टाइम पे कर लेते हैं, कुछ भी करने के लिए आगे तो आना पड़ेगा ना, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारी अच्छाइयों का और हमारी बुराइयों का बोलने से पता चलता है, चुप रहे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। अगर मान लो मैं चुप ही रहूंगी कुछ नहीं बोलूंगी तो आपको क्या पता है मैं कैसी हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी, मान लो बुराई बोला लेकिन जब बुराई का पता लगा, तो ये मैं बोलूंगी लड़कियों को कि मतलब जो भी है अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी दबाओ मत, तुम जो भी करना चाहते हो करो। अब आप जो है बॉलीवुड तक पहुंच चुकी हैं, हम आशा करते हैं कि आगे भी आप बहुत सारी फिल्में करें, इसी के साथ अगर आपको मौका मिलता है तो आप हिमाचल के लिए क्या करेंगे कि यहाँ के बच्चे जो है बॉलीवुड में अपनी पहचान बना सके? सबसे पहले थैंक यू आपने विशेष दी, और मैं हिमाचल के लिए मैं बहुत करना चाहती हूँ, मेरा पहले भी मैंने इंटरव्यू हुआ तो मैंने यही बोला था कि मैं मतलब ये चाहती हूँ मैं कि यहाँ पे थिएटर शुरू करूँ, मैं यहाँ की लैंग्वेज में मूवी बनाऊँ, और सबसे बड़ी बात कि हर लैंग्वेज का जो है ना अपना चैनल है, अपनी मूवीज आती हैं, जो सबसे बड़ी आप देख लो भोजपुरी, देख लो भोजपुरी किस तरह से मतलब कैसे छाई हुई है सब जगह, तो हमारे हिमाचली में ऐसी क्या कमी है, हम भी तो अपनी जो भी मिंजो तिंजो बोल के बोल सकते हैं ना हर जगह, हम चैनल पे भी सीधा जाते हैं तो हम सीधा अपनी भाषा में न्यूज सुने ना, कि वो हरियाणा वालों के फिर बीच में हिमाचल के न्यूज आ रहे हैं, फिर पंजाब के आ रहे हैं, फिर बीच में हमारे आ रहे हैं, मतलब उनके चैनल है वो, लेकिन हम लोग तो बीच में आ रहे हैं ना, तो सपना तो ये है, देखो अब सोचा तो बहुत बड़ा है बाकी। थैंक यू अंजू जी आपने इस बात की, तो आपने जाना कि बॉलीवुड तक अपनी पहचान बन जा चुकी अंजू ठाकुर जी ने, कुछ अपनी उम्मीदें रखी हैं कि अगर वो हिमाचल में अच्छा काम बॉलीवुड में करती हैं तो हिमाचल में भी इंडस्ट्रीज की तरह जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगी। कैमरामैन के साथ मैं मीनाक्षी, एस्टोरी न्यूज हमीरपुर।